Guys, today I'm gonna do something very, very stupid. जब चैलेंज करो तो मैंने अमेजोन से अगेन तो गाइज मैं आज खाने वाला हूं द स्पाइसीएस्ट नूडल्स. वेल चेक दिस आउट. मेरे पास यार अलग अलग ब्रांड्स की नूडल्स हैं. तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज रेड सुपर स्पाइसी, दिस इज बुल डॉक 2x स्पाइसी हॉट चिकन फ्लेवर रामन, एंड ये है भाई हॉट एंड स्पाइसी मामा की नूडल्स. आई मीन ब्रांड मामा है, नॉट द मामा मामा ऑफ कोर्स. और भाई मेरे पास है टॉप रामन फियरी चिली नूडल्स. ऑलराइट गाइस, वैसे इससे पहले ना मैंने एक और स्पाइसी चैलेंज किया है, उसमें मैंने स्पाइसीएस्ट चिप खाया था और उसको खा के ना वो इतना सा चिप था और उसको खा के ना मतलब मैं पता है क्या कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. एक की जगह ना मैं दो चिप लेके आया था और एक चिप ही खा पाया था मैं, और उसमें ना मेरी हालत ख़त्म हो चुकी थी. आई वॉज लिटरली ड्राउनिंग इन माई ओन स्वेट एंड टीयर्स. और मुझे नहीं पता यार कि मैं चैलेंज फिर से क्यों कर रहा हूँ. बट गाइज देखो, नूडल्स तो मैं खाता रहता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि यार ये नूडल्स मेरा उतना हार्म करेंगे जितना उस चिप ने मेरा करा था. वेल देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट, बाय ईटिंग इट. और हाँ गाइज, इस चैलेंज के बाद ना मैं एक छोटा सा गिव अवे कर रहा हूँ. मैंने ये स्पाइसी नूडल्स और एक्स्ट्रा मंगवाई थी ताकि इसको मैं आप लोगों को दे पाऊँ. एंड वेल गिव अवे के रूल्स जो है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. तो अब तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी यार, तो पूरी वीडियो देखना. तब तक भाई मैं आज की अपनी पहली नूडल्स बना के आता हूँ. Fellas, check this out. This is Nong Shin ki super spicy red noodles. Aur I'm guessing ki yaar ye mere muh ke andar jaane ke baad bahut damage karne wali hai. Ho, abhi se hi meri saansein phool rahi hain. Jo matlab mere lips ka area hai na, पूरी तरीके से जलना शुरू हो चुका है. द थिंग इज गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा अब इस नूडल्स को मैं खत्म करूं, क्योंकि ऑफकोर्स ये नूडल्स को मैं खा सकता हूं. इतनी स्पाइसीनेस तो यार मैं चाइनीज खाने में भी डलवा के खाता हूं, और मे बी नॉट, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है बाय द वे. एंड सेटिंग होनी शुरू हो गई है मुझे, और मेरे पास अभी तीन नूडल्स और है. एंड मैंने जितनी रिसर्च की है, ये वाली नूडल्स ना बहुत 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 ज़्यादा लीथल है यार. तो इसको मैं सबसे एंड में खाऊंगा, अभी नॉन चिन सुपर स्पाइसी नूडल्स ख़त्म करता हूँ. भाई अभी तो एक नूडल्स ही हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई, इतनी सारी बची है. मुझे लग रहा है एक टॉवल रखना पड़ेगा. Guys, this is hot. यार देखो, मैं पूरी नहीं खाने वाला क्योंकि अभी तीन और नूडल्स बची हैं और मुझे सारी टेस्ट करनी है. और अगर अबे यार, अब तो ये टंग पे भी वाइट करने लग गई है. भाई साहब पसीने. वेल स्पाइसी नूडल ने ना अपना काम करना शुरू कर दिया है. ऑल राइट गाइस, बस जितनी मैंने खानी थी नूडल्स मैंने खा ली. अब यार आई एम गोना प्रिपेयर दीज टू नूडल्स. एक है मेरे पास
टॉप रामेन की चिली, ओ सॉरी फियरी चिली नूडल्स, भाई साहब मिर्चियाँ चढ़ गई हैं मुझे, और ये दोनों नूडल्स मैं बना के लाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चेक दिस आउट। ये है टॉप रामेन की फियरी स्पाइसी नूडल्स, और भाई इसमें ना एक ट्विस्ट है, मतलब जो सारा फ्लेवर होता है ना उनकी सीजनिंग में होता है, बट जो एक्चुअली नूडल्स हैं उसके अंदर इन्होंने पहले से ही फ्लेवर ऐड किया हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने और सीजनिंग डाली तब जाके भाई साहब ये माल मुझे मिला। एंड दीज आर मामा की हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स। गाइस, मैं इसकी दो बाइट ले चुका हूँ, और मिर्ची कहाँ यार, मतलब स्पाइसीनेस तो है ही नहीं, और जो फ्लेवर भी है कुछ खास ज़्यादा आ नहीं रहा मुझे। खैर सच्चाई है इसके अंदर कुछ खास मिर्ची है ही नहीं, बट नूडल्स का कलर देख के और इसकी सीजनिंग देख के और इसकी शक्ल देख के ना मेरी तो शुरू में ही फटली थी। मुझे लगा था भाई दिस इज गोना डू सीरियस डैमेज, बट फीका पकवान। एनीवे इसको रखते हैं साइड में। ये दोनों नूडल्स ना स्पाइसीनेस के मामले में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। इसका फ्लेवर पता है एकदम कैसा है, आप हॉट एंड सोर सूप पीते हैं ना, एकदम सेम फ्लेवर है इसका। और भाई साहब मिर्ची कहाँ है, मतलब बस इसी के अंदर था जो था। बाकी तो अभी जो मैंने दोनों टेस्ट करी है ना, मामा की और टॉप रामेन की, दोनों वर फेलियर फॉर मी। या तो मतलब अब मैं हो चुका हूँ एकदम हॉट एज हेल कि मतलब मुझे मिर्ची लगती ही नहीं है, या फिर इसके अंदर मिर्ची है नहीं। खैर हॉट एज हेल तो मैं नहीं हुआ, इनके अंदर मिर्चियाँ है ही नहीं। एनीवे गाइस, बुल डार्क की 2x स्पाइसी नूडल्स की। वैसे यार इसके अंदर जो नूडल्स हैं वो बस मैं अभी बॉयल करके ला रहा हूँ, बाकी जो इसके अंदर सीजनिंग वगैरह है वो मैं आप लोगों के सामने ढाल के दिखाऊंगा, और देखते हैं भाई ऐसी क्या हाइप है इसके अंदर, ऐसा क्या मिर्ची है जो लोगों की ऐसी ऐसी हालत हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट। अब यार मैं जल्दी से अपने अंदर का गॉर्डन रामजी जगाता हूँ और फिर करेंगे इस नूडल्स को टेस्ट। गाइज बिना मिर्ची के और बिना सीजनिंग की कितनी पीसफुल लग रही है यार ये नूडल्स, और भाई साहब ये रे वेपन्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो कि मैं इसके अंदर अभी डालने वाला हूँ। सो भाई इसके अंदर ना कुछ, ये देखो कुछ लिक्विड है, पाउडर नहीं है सीधा लिक्विड, आई डोंट नो क्या है ये, और ये मुझे लग रहा है दीज आर फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, आई डोंट नो, अभी खोलता हूँ पता चल जाएगा। सो ओ भाई साहब क्या है ये, इज दिस ब्लड यार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा मुझे। हाय हाय यार कितना गंदा कलर बन गया इसका। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, आज तो लेके रहेंगे हमारी। गाइज ऑनेस्टली यार मैंने बनाते हुए ये दोनों फ्लेवर्स उसके अंदर इसलिए नहीं डाले क्योंकि यार उसके अंदर पानी होता है, और मैं ना इस फ्लेवर को फर्स्ट हैंड टेस्ट करना चाहता था। बिकॉज ऑफ वाटर, मैं वाटर को थोड़ा सा फ्लश कर देता हूँ तो मोस्ट ऑफ दी स्पाइसीनेस उसके अंदर से चली जाती, तो इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता था। एंड मैंने तभी ये सीजनिंग और ये जो भी दोनों चीज़ें हैं मैंने बाद में मिक्स करी हैं ताकि भाई एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट हैंड हो आज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आई एम स्केर्ड। हो
जैसे ही मैंने बाइट ली ना, ऐसा लगा ही नहीं कि मिर्ची है इसके अंदर। ओ भाई साहब, अभी आपने असली रंग दिखा दिया। भाई एक बाइट में ऐसी ऐसी हो गई मेरी। यहाँ हट कर रही है अब। I'm at war. I'm seriously at war. भाई गर्मी, वो क्यों बनाते हैं ऐसी चीजें यार। एक और सिप। हर जगह अब दर्द हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। Why do I keep eating these things? I am starting to lose sense. I don't know what I'm saying. But thoda, I don't know. Things are spinning. भाई ऐसी चलाओ यार। भाई देख लो कितनी सारी खत्म कर ली। I'm done. 7 hours later. Guys, I am almost normal now. अभी भी यार पेट में मेरा जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। My stomach and my intestine are still on fire. और यार मुझे कहना पड़ेगा कि जो first noodle मैंने taste की थी वो spicy थी, but वो इतनी spicy नहीं थी जितनी कि last noodles थी। I mean second और third noodles were तो एवी, but आखिरी नूडल्स जो मैंने खाई ना यार, हालत बुरी हो गई। और यार बड़ी मुश्किल से मेरी हालत ठीक हुई है एक पूरा जूस का पैकेट पीने के बाद और एक पूरी स्प्राइट पीने के बाद। अभी भी भाई जैसे मैंने आपको बताया, आई एम नॉट लाइक पूरा ढंग से ओके। और नूडल्स ख़त्म करे हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब यार मैं बात करूंगा गिव अवे की। सो आई विल बी गिविंग अवे 2 सुपर स्पाइसी नूडल्स टू 2 ऑफ यू गाइज आउट देयर। एंड यार गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है। आप लोगों को बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये इमोजी आपको कमेंट में टाइप करना है। दैट्स इट। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू विनर्स अनाउंस करूंगा। तो जो भी आप लोगों में से जिसका भी लकी ड्रॉ आ गया तो आप अपना ईमेल आईडी या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आई विल शिप यू द नूडल्स। बट यार मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, देख लीना मेरी हालत क्या हुई थी। अपनी हालत ऐसी मत करवा लेना, ठीक है। इट्स ऑल फॉर फन एंड आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। आपके तो खैर मज़े आ ही गए होंगे आज। एंड अब यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, कॉन्टेस्ट में पार्ट तो लेना है ना। अब मैं जाके रेस्ट करूँगा और मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।